गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स तो अभी हम जो हमारा करंट में टॉपिक चला हुआ है उसके अंदर हम नीड्स और जो इंपॉर्टेंस हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की उनको स्टडी कर रहे थे सो फर्स्ट टू हमने कर लिया था लेट्स टेक अ लुक एट द थर्ड वन फॉर अ बेटर यूज बेटर सेंस ऑफ बिलोंगिंग तो इसके अंदर क्या है कि मतलब कहीं ना कहीं uh, जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर हम एक ऐसी फीलिंग uh, को कहीं ना कहीं जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि उनको लगे कि वो इसी जगह को बिलोंग करते हैं सो इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ असेंशियल टू हैव अ बेटर सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग स्टूडेंट्स विद एंड विदाउट स्पेशल नीड्स कह रहे कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो इसलिए भी ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं जो बिलोंगिंग की सेंस है सेंस ऑफ बिलोंगिंग है स्टूडेंट्स जिनको डिसेबिलिटीज़ है और जिनको नहीं है उनके अंदर एक मतलब कहीं ना कहीं वो बिलोंगिंगनेस की भावना को इनक्रीज़ करने का काम करता है ही टीचिज द वैल्यू ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग रिगार्डलेस ऑफ हिज अपियरेंस और तो कह रहे कि ये कहीं कही ना कहीं सिखाता है कि जो दूसरा इंसान है उसकी क्या वैल्यू है कहीं ना कहीं देखिए ये जरूरी नहीं है कि उनकी जो अपीयरेंस है लाइक डिसेबल स्टूडेंट्स की बात करें कि कोई ना कोई उनका अंग नहीं है या फिर मतलब यू कैन से वो डिसेबल हैं तो इट डजेंट मीन कि uh, उनकी अपेरेंस अगर अच्छी नहीं है तो वो ह्यूमन बींग्स नहीं है वो भी ह्यूमन बींग्स हैं और उनको भी वैसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड अप्रिशिएट द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग कह रहे कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनको स्पेशल नीड्स चाहिए मतलब जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं अगर उनको बिलोंगिंग की फीलिंग मिलती है तो वो उसको अप्रिशिएट करते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है बींग लवड हैविंग रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप विद स्टूडेंट्स विदाउट स्पेशल नीड्स और साथ ही साथ मतलब उनसे एक प्यार मिलना आ, उनके साथ एक आ, फ्रेंडशिप का संबंध बनना जो स्टूडेंट्स डिसेबल नहीं है तो उनको इस चीज़ से काफ़ी अच्छा लगता है स्टूडेंट्स विदाउट स्पेशल नीड्स ऑल्सो शो एंड इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ टॉलरेंस एंड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनको कहीं ना कहीं स्पेशल नीड्स की ज़रूरत नहीं है या फिर जो डिसेबल uh, नहीं है वो कहीं ना कहीं अवेयरनेस uh, दिखाते हैं टॉलरेंस uh, दिखाते हैं एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दिखाते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं डिसेबल्ड हैं जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है हायर अकेडमिक परफॉर्मेंस इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स कह रहे हैं कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है एज रिसर्च इन दिस एरिया शोज दैट दिस स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म वेल इन स्कूल कम्पेयर टू एन एक्सक्लूजन एक्सक्लूसिव एजुकेशन कह रहे हैं कि रिसर्च में अंदर ये देखा गया है कि जो ये स्टूडेंट्स हैं जो disabled students है, कि डिसेबल स्टूडेंट्स हैं ये इंक्लूजिव एजुकेशन के अंदर ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू uh, वो स्कूल जिनके अंदर एक्सक्लूसिव एजुकेशन है एक्सक्लूसिव एजुकेशन मतलब सिर्फ उन स्कूल्स की बात की जा रही है जहाँ पे डिबल स्टूडेंट्स को ही पढ़ाया जाता है या फिर उनको सिखाया जाता है तो इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर एक डिसेबल स्टूडेंट ज़्यादा बेहतर सीखता है एज़ कंपेयर टू एक्सक्लूसिव एजुकेशन स्कूल सो यहाँ पर हमारा जो नीड्स एंड इंपॉर्टेंस है इंक्लूसिव एजुकेशन की uh, वो टॉपिक हमारा समाप्त हो जाता है सो लेट टेक एट द नेक्स्ट सब टॉपिक ऑफ़ इंक्लूसिव एजुकेशन दैट इज़ इम्प्लीमेंटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया कि इंडिया के अंदर जो इंक्लूसिव uh, एजुकेशन का इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे हुआ उसके बारे में हम बात कर रहे हैं इन इंडिया द नंबर ऑफ चिल्ड्रन और पीपल विथ डिसेबलिटीज़ और स्पेशल नीड्स इज़ रियली इंपॉटेंट कह रहे कि इंडिया के अंदर जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है डिसेबलिटीज़ के साथ और पीपल के साथ वो बहुत ज़्यादा जरूरी हैं यानी कि ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स विध डिसेबलिटीज़ और पीपल विथ डिसेबिल really really matters to the India. They have a number of difficulties in jailing an education is not jailing is getting an education, especially inclusive education. कह रही कि जो ये students हैं या फिर peoples हैं, इनको कहीं ना कहीं education के अंदर education बहुत uh, सारी problems इनको कहीं ना कहीं during education झेलनी पड़ती हैं. Now it is important that inclusive education is implemented. In इन इंडिया फॉर ओल्ड टू बेनिफिट तो कह रहे हैं कि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसको इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए जिससे कि सभी का फायदा हो विनो देर वर लॉट ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट लाइक थॉमस एलवा एडिसन एल्बर्ट आइंस्टीन एंड ग्रहम बैल हु हैड लर्निंग डिसेबिल्टीज कह रहे कि ऐसे बहुत से ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं जैसे कि थॉमस एलवा एडिसन आइंस्टाइन और ग्रहम बैल जिनको कहीं ना कहीं लर्निंग डिसेबिल्टीज थी Considering the benefit that we could derive from educating special needs children and non-disabled children in inclusive education, कह रही कि अगर हम उन बेनिफिट्स को consider करें जो कि हमें मिल सकते हैं अगर स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट्स और non डिसेबल स्टूडेंट्स एक इंक्लूसिव एजुकेशन या फिर कह लो inclusive क्लासरूम के अंदर अगर वो साथ में स्टडी कर रहे हैं द इंडियन गवर्नमेंट शुड प्रोपोज इंडिकेटर्स टू बिल्ड अ स्ट्रोंग एंड अफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री इसके लिए जिससे कि जो डिसेबल और नॉन डिसेबल स्टूडेंट्स हैं वो एक ही क्लास रूम के अंदर स्टडी कर पाएँ उसके लिए इंडियन जो गवर्नमेंट है हमारी इंडिया गवर्नमेंट है उसको कहीं ना कहीं बहुत सारे सीरियस एफर्ट्स करने के ज़रूरी हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर द इंडियन गवर्नमेंट शुड इंसिस्ट ऑन द फॉलोइंग मीजर्स फॉर द अफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इम्प्रूव क्या जो इंडियन गवर्नमेंट है उनको जो नीचे कुछ मेजर्स दिए हुए हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं या फिर कह लो कि उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है अगर वो इंडिया के अंदर जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं सो व्हाट आर दिस इम्प्लीमेंटेशन और मीजर्स फॉर आर लेट्स टेक अ लुक द फर्स्ट वन इज़ द राइट टू एजुकेशन मस्ट बी अप्लाइड इन ऑल स्टेट्स सो दैट एवरी चाइल्ड रिसीव एन एजुकेशन कह रहे कि जो राइट टू एजुकेशन है उसको कहीं ना कहीं हर एक स्टेट के अंदर लागू किया जाना चाहिए जिससे कि हर बच्चा कहीं ना कहीं एजुकेशन को ले पाए रिसीव कर पाए थ्रू इंक्लूजन केयरिंग फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इज़ कॉल्ड ट्रीटमेंट कह रहे कि इंक्लूजन के द्वारा आ, कहीं ना कहीं बच्चे की अच्छे से देखभाल हो पाएगी जो से स्पेशल नीड वाला है और उसकी कहीं ना कहीं हम उससे उसको ट्रीट भी कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं वो उसके लिए ट्रीटमेंट की तरह होगा टीचर्स स्पेशली इन रूरल एरियाज नीड टू बी वेल ट्रेन टू हैव द नॉलेज टू टीच चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन एन इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम क्योंकि जो रूरल एरियाज़ हैं ग्रामीण एरियाज़ हैं उनके अंदर जो टीचर्स हैं उनको कहीं ना कहीं वेल ट्रेन किया जाना चाहिए उनके लिए कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की व्यवस्था की करनी चाहिए जिससे कि वो ये समझ पाएँ उनको ये नॉलेज मिल पाए कि कैसे जो स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन हैं उनको इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के अंदर कैसे स्टडी करना है क्योंकि देखिए एक ही क्लास में डिसेबल भी होंगे और नॉन डिसेबल भी होंगे तो उनको ये समझ में आना चाहिए किसको क्या प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग उसको स्टडी या फिर टीच करना चाहिए वर्कशॉप्स विल बी हेल्ड टू कीप दैम एवरेस्ट ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन कह रहे कि टाइम टू टाइम ऐसी वर्कशॉप्स रखनी चाहिए जिनके अंदर कहीं ना कहीं उनको इंक्लूसिव एजुकेशन की डेवलपमेंट्स के बारे में बताया जा सके नाउ द नेक्स्ट मीज़र इज रेगुलर एनालिसिस ऑफ स्कूल्स करिकुलम एंड इक्विपमेंट शुड बी कंडक्टेड टू बिल्ड अ सपोर्ट टीम टू प्रोवाइड एक्सेस टू रेगुलर प्रोग्राम मेथड्स फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिबेबिलिटीज कह रही कि कहीं ना कहीं स्कूल्स के अंदर एक रेगुलर एनालिसिस होना चाहिए जो करिकुलम है पाठ्यक्रम है और जो कहीं ना कहीं उसको पढ़ाने मतलब पाठ्यक्रम करवाने के तरीके हैं उनको कहीं ना कहीं कही, इन सब के लिए सपोर्ट टीम बिल्ड करनी चाहिए जो कि रेगुलर जो प्रोग्राम्स हैं उनको कहीं ना कहीं कही एक्सेस करवा सके स्टूडेंट्स को और जिससे कि जो चिल्ड्रन हैं जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं अपना जो उनका सिलेबस है और जो उनके मेथड्स हैं उनको अच्छे से कर पाए अपने सिलेबस को कर पाने में उनको प्रॉब्लम ना हो दिस इज़ पॉसिबल थैंक्स टू अ फ्लेक्सिबल अप्रोच अलाउिइंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम क्या कि ये पॉसिबल है अगर जो टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो मिलकर काम करें प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में द फेस ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तो कहीं ना कहीं जितनी भी प्रॉब्लम्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के टाइम पर आ रही हैं उसको वो कहीं ना कहीं अगर मिल उसको देखते हैं उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो इस प्रॉब्लम से वो ओवरकम कर जाते हैं सो so, स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन है इंक्लूसिव एजुकेशनस का तो उसको कहीं ना कहीं अच्छे से इम्प्लीमेंट करने में अभी प्रॉब्लम आ रही है सो so, उसके लिए हम जो जो उनके मीजर्स हैं वेरियस मीजर्स हमने अभी आ, देखे उनमें से थ्री हमने कर लिए एंड देर आर आई थिंक ट्वेल्व मेजर्स सो रिमेनिंग नाइन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एंड देर ऑल फॉर टूडे स्टूडेंट्स थैंक यू एवरी वन